हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में डिस्कस करेंगे। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म दैट एग्जिस्ट एज यूनिसेल्युलर, मल्टीसेल्युलर और सेल क्लस्टर। माइक्रोब्स हमारे एनवायरनमेंट में फैले हुए हैं, जो सॉइल में, वाटर या फिर एयर में प्रेजेंट होते हैं। बहुत से माइक्रोब्स हमारे बॉडी के अंदर भी है, जो हमारे बॉडी को यूजफुल होते हैं। There are five types of microorganism. They are virus, algae, fungi, bacteria and protozoa. अभी जो हमने पांच टाइप्स देखे माइक्रोऑर्गेनिज्म के, उसमें से सबसे स्मॉलेस्ट माइक्रोऑर्गेनिज्म होता है वायरस। वायरस ये प्रोटीन शेल से बना हुआ होता है, उसे कैप्सिड कहते हैं। कैप्सिड के अंदर उसका जेनेटिक मटेरियल होता है। जेनेटिक मटेरियल दैट मीन्स डीएनए या फिर आरएनए, ये दोनों ही, दैट इज़ डीएनए एंड आरएनए, ये दोनों ही कैप्सिड के अंदर एक साथ प्रेजेंट नहीं रहते। वहाँ पे सिर्फ डीएनए होगा या फिर आरएनए होगा। दे आर असेल्युलर, इट मीन्स वो सेल से नहीं बना है एंड दे कैन नॉट मेक देयर ओन प्रोटीन। वायरस खुद का रिप्रोडक्शन होस्ट सेल के अंदर ही कर सकता है, होस्ट सेल के बाहर वो खुद को रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता। वायरस ये एनिमल को, प्लांट को एज वेल एज बैक्टीरिया को भी इन्फेक्ट करता है, और उसी के बेसिस पे उसके तीन टाइप्स है, दैट इज एनिमल वायरस, प्लांट वायरस एंड बैक्टीरियल वायरस। बैक्टीरियल वायरस को बैक्टीरियोफेज भी कहते हैं। तो ये जो डायग्राम है, ये बैक्टीरियोफेज की डायग्राम है और ये है एनिमल वायरस। नेक्स्ट टाइप है बैक्टीरिया, इट इज यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। दे आर प्रोकैरियोटिक एंड हैंस डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस इज अब्सेंट। वहाँ सेल ऑर्गेनली भी अब्सेंट होती है। मोस्ट बैक्टीरिया हैव अ पेप्टिडोग्लाइकेन सेल वॉल। बैक्टीरिया खुद का रिप्रोडक्शन बाइनरी फिशन के हेल्प से करता है। यहाँ बाइनरी फिशन की मैंने डायग्राम दिखाई है। अब बैक्टीरिया का लोकोमोशन होता है विद द हेल्प ऑफ फ्लैजेला। अब फ्लैजेला अलग अलग टाइप के हैं। जैसे फर्स्ट डायग्राम में बैक्टीरिया के एक ही साइड से फ्लैजेला है, तो लास्ट डायग्राम में बैक्टीरिया के दोनों साइड से फ्लैजेला दिखाई दे रहा है। तो कोई बैक्टीरिया के चारों तरफ से फ्लैजेला होता है, और ये फ्लैजेला बैक्टीरिया को लोकोमोशन करने में हेल्प करता है। बैक्टीरिया के अलग अलग शेप्स हैं। जैसे रॉड शेप बैक्टीरिया को बैसिलस बोलते हैं, जो सर्कुलर शेप के है उसे कोकस बोलते हैं। कोई बैक्टीरिया कॉमा शेप है, तो कोई ब्रांच शेप है, तो कोई स्पाइरल शेप के बैक्टीरिया प्रेजेंट है। थर्ड टाइप है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ आर यूनिसेल्युलर एरोबिक यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स है, इसके वजह से उसमें न्यूक्लियस भी होगा और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनली भी होगी। देयर सेल वॉल आर मेड अप ऑफ सेल्युलोज। प्रोटोजोआ के पास लोकोमोशनरी ऑर्गन है, वो है फ्लैजेला, सिलिया या फिर सीडोपोडा। अब जो अमीबा है, अमीबा के पास लोकोमोशनरी ऑर्गन है सूडोपोडिया। तो सूडोपोडिया के हेल्प से अमीबा लोकोमोशन भी करता है और फूड मटेरियल को एब्सॉर्ब भी वो कर सकता है। नेक्स्ट है दे आर ऑटोट्रॉप्स और हेटरोट्रॉप्स। नेक्स्ट, यहाँ पे मैंने डायग्राम दिखाई है प्रोटोजोआ के अलग अलग टाइप्स है। तो यहाँ जो युग्लिना है, तो उसके पास फ्लैजेला है, तो कोई प्रोटोजोआ के पास सिलिया है, जो कि उसे लोकोमोशन करने में हेल्प करे हैं। नेक्स्ट है फंगी। फंगी आर यूकैरियोटिक सेल विद अ ट्रू न्यूक्लियस एंड हैव सेल वॉल। जो सेल वॉल है वो कॉम्प्लेक्स शुगर से, दैट इज काइटिन से बनी हुई होती है। फंगी के पास हाइफे नाम का एक ट्यूब ऑर्गन होता है, ट्यूब जैसा एक ऑर्गन होता है, वो न्यूट्रिएंट मटेरियल को एब्सॉर्ब करने में उसकी हेल्प करता है। वो खुद का रिप्रोडक्शन स्पोर फॉर्मेशन करके करता है। दे ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डिकम्पोजर, या फिर वो प्लांट से न्यूट्रिएंट मटेरियल एब्सॉर्ब करता है, या फिर जो हार्मफुल होस्ट है उनके बॉडी से खुद का न्यूट्रिएंट मटेरियल एब्सॉर्ब कर सकता है। अब एग्जांपल क्या है फंगी के, तो मशरूम है, मोल्ड है, ईस्ट है, दे आर द एग्जांपल ऑफ फंगी। नेक्स्ट है अल्गी। अल्गी आर यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर यूकैरियोट्स एंड दे ऑब्टेन देयर नरिशमेंट बाय फोटोसिंथेसिस। अब ये फोटोसिंथेसिस कर सकता है, इट मीन्स उसके पास क्लोरोफिल है, तो इसी वजह से वो फोटोसिंथेसिस कैरी ऑन करता है। दे लिव इन वाटर,
डैम सॉइल एंड रॉक एंड प्रोड्यूस्ड ऑक्सीजन एंड कार्बोहाइड्रेट्स यूज्ड बाय अदर ऑर्गेनिज्म। तो स्टूडेंट आज हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स के अलग अलग टाइप्स देखे। अगर ये टॉपिक आप लोगों को समझ में आए, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और ये वीडियो सबके साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।